जय हिंद, जय सियाराम। मैं नरेंद्र सिंह फौजी, प्रदेश महासचिव सैनिक प्रकोष्ठ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश। मित्रों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि समाज में हर पार्टियों के नेता आपके बीच में आते हैं, आने के बाद अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम ये विकास करेंगे, आपके अधिकारों की बात करेंगे, आपके हक की बात करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये किस तरह का बदलाव लोगों में आता है कि जैसे ही सामान्य रूप से चुनाव संपन्न हो जाते हैं, तो जो आज रोज आपसे मिलने आता है, रोज आपसे मुलाकात करता है, मोबाइल टेलीफोन के द्वारा आपसे बातें करता है, आपके सुख दुख की बात करता है, आपका हितैषी बना रहता है, तो क्या इस तरह के नेता जो आपके पास आज आ रहे हैं, क्या यही चुनाव संपन्न कराने के बाद आपके पास पहुंचेंगे? यहां पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चुनाव को आपको दिखावा कर रहे हैं या जनता के दिलों में रहना चाह रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोगों को कभी एक राजनेता या नेता होने का एहसास नहीं दिया, बल्कि एक बेटा, एक भाई की तरह उन्होंने अपने लोगों के बीच में रह के राजनीति नहीं बल्कि सेवा नीति का एक साफ सुथरा उदाहरण दिया। मित्रों, जिस प्रकार आज राजा भैया उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों के, युवाओं के दिल में बसे हुए और माननीय जो द्वारा गठित जो पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है, उससे जुड़ने के लिए उनका इतना लगाव है, इतना लालायित हो रहे हैं, कि हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते। लेकिन मित्रों, ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और साथ साथ ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी ने अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का, अपने पदाधिकारियों का सदैव कुशल क्षेम लेते रहते हैं, जानकारी करते रहते हैं, इस तरह का मित्रों हमने नेतृत्व करता नहीं देखा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2022 में और आगे आने वाले समय में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का भविष्य उज्जवल होगा और हम लोग एक मजबूत दल के रूप में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में दिखाई देंगे। जय हिंद, जय सियाराम।